casa, que están en la lona. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले दोस्त आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम अपनी सब्ज़ी में से प्याज की फसल को निकालने आए हुए हैं। तो जो हमने प्याज लगाए हुए थे वो फुल तैयार हो चुके हैं, और क्योंकि गर्मी है अब, और गर्मी की वजह से अगर उन्हें ना निकालते तो वो ख़राब हो जाने थे। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे प्याज कैसे हुए हैं। कल भी हमने प्याज निकाले थे और आज एक क्यारी में से ये निकले हैं प्याज, और अभी जो बाकी प्याज है वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर लगे हुए थे पहले प्याज, यहाँ से हमने तमाम प्याज निकाल लिए हैं, और अभी अशर मुस्तफ़ा की अम्मी निकाल भी रही हैं तो मैं भी निकालता हूँ। ये जी अब मैं भी निकालने लगा हूँ प्याज। तो बारिश हुई थी, कोई ज़मीन जो है वो नरम तो हो गई थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे सब्ज़ी को पानी वगैरह नहीं लगाया था, तो इस वजह से ना ज़मीन बहुत सख्त हो चुकी थी और प्याज बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, लेकिन निकालने ज़रूरी थे क्योंकि प्याज बिल्कुल फुल तैयार थे। अगर अब ना निकालते तो फिर बाद में नुकसान होना था। और माशाल्लाह काफ़ी जो प्याज हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे निकले थे। जैसे कि ये प्याज मैंने निकाला, ये आप देख सकते हैं कैसा खूबसूरत प्याज निकला। और मैं ये प्याज निकाल रहा था, निकाल कर पीछे फेंक रहा था, बच्चे जो थे वो ये प्याज उठाकर एक चादर पर और एक तंगारी में डाल रहे थे। बच्चों से भी बड़ी भारें होती हैं जी, बच्चों ने बड़ी मदद की काम करने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम सारा हमारा मुकम्मल हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये बच्चों ने भी बड़ा काम किया। गर्मी ज़्यादा थी और बच्चों ने बड़ी हेल्प की, बच्चों की मदद से काम बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। और ये भिंडी तोरी का पौधा है, और इस पे माशाल्लाह देखें ये छोटा सा पौधा है, लेकिन इस पे अभी से भिंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। ये भिंडी हम इससे उतार लेंगे क्योंकि अगर ये इस पर लगी रही तो ज़ाया हो जानी है। अभी ये बहुत खूबसूरत भिंडी है, और कल बाज़ार से मैं लाया था भिंडियाँ, तो ये उन्हीं में शामिल करके ये पका ली जाएगी। तो माशाल्लाह देखें कि ये बड़ी अच्छी किस्म का बीज था, जो छोटे छोटे पौधों पे भिंडियाँ लगने शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और अब हमने प्याज जो है वो सारे निकाल लिए थे, अब प्याज़ों को हम घर की तरफ ले कर रवाना होने लगे हैं। माशाल्लाह प्याज बहुत ज़्यादा थे जी, उस बर्तन में नहीं आ रहे थे, हमने एक चादर पर तमाम प्याज़ों को डाल लिया था, और ये मैंने वो चादर उठाई और उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। वो प्याज बहुत वजनी थे और बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा, और बच्चों को भी गर्मी ने बहुत सताया हुआ था, बच्चे भी बड़ी मुश्किल के साथ घर पहुंचे। और ये दोनों बहन भाई, इन्होंने ये तंगारी पकड़ी हुई थी, और क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी ये बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। और पहुँचते सारी हमने पंखा चलाया क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था। फिर आशर मुस्तफ़ा ने सबको पानी दिया, और फिर हमने अपने प्याज देखे। ये थे जी हमारे प्याज, और मोहम्मद आशर मुस्तफ़ा कभी इनके ऊपर चढ़ता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ। तो ये आशर मुस्तफ़ा और मैं, अभी हमने मुंह भी नहीं धोया था, और इतने में अली हसन आ गए। अली हसन को हमने कहा कि अली हसन ये प्याज जो है इनके साथ जो ये डंडियाँ ये
تم کاٹ دو۔ اور علی حسن نے یہ تمام پیازوں کی ڈنیاں کاٹی اور پھر یہ ہمارے پیاز ہانڈی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں اختتام۔ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔